एक प्यो से उहदे चार पुत्र सन। किन्ने जी? गोंदला लियो, मजमा लग्या। किसे एक मुंडे नूं वी गल समझ विच आ गई तो मेरा आउणा कबूल हो जाएगा। वह बाबा जी जदों बाप ने जवान किए, शादियां कीतियां सारियां दियां, आप ही वडेरा हो गया, जिहड़ा सब ना छोटा सी ना वह अब्बे नाल बड़ा प्यार करदा सी। मैं मुख्तसर कर लगा, मेरे वल तकियो। उन्हें ना त्रवों भरावों नूं कठिया किया, अब्बे की मंजी विशकार डाई, अब्बे नूं बिठाया कादरी साहब उत्ते। उन्हें कहा, यारो मैं एक फैसला किया भराओ, जे तुहानू कबूल है तो तुसीं कर लिया, जे ना कबूल होया तो फिर मैं तो आवां ना। फैसला सुनियो जी, फैसला की है बाबा जी? वह जरा सब ना छोटा सी, उन्होंने भरावान आख्या, फैसला मैं किया वे जरा अब्बे सांभेगा ना, उन्होंने अब्बे की विरासत में एक रुपया भी नहीं लभना। परेशान हो गए उन्हें, ऐं जो भी हो गए सुन सुन के। उन्हें आख्या, तू तो चंगा भला सियाणा बंदा सै, कि दिमाग तेरा कदों का फिर गया? उन्हें क्या होया की है? उन्हें कहा, नाले अब्बे सांभो तो नाले अब्बे की जमीन में लभे भी कुछ ना, नाले अब्बे की जायदाद में लभे भी कुछ ना। लोग गोंदल में अब्बे चाह ही त्री तरीक पुछते हैं, जो सुबह पहली हो अब्बे पेनशन लभनी है। तू तो फिर लालची होया ना, तेन अब्बे तो नहीं प्यार, तेन तो अब्बे की पेनशन प्यार है। नत्ती दिन तू अब्बे पुछया नहीं, तो जो त्री तरीक होंगी है अब्बे खिंचते होंगे ने अपने घर, अब्बा रात मेरे वाल रहनी है। वह आंदा भी सारा महीना मैनू पुछते नहीं, यह जो आखिरी डेट होंगी सारे मैनू खिंचते होंगे। वह फिर आंदा, पुत्रो मैं समझ आ गई है। वह फिर भी प्यो एडा सखी हों, लिया के उन्होंने दे छद। उन्हें कहा, तू फैसला किया वे भी जरा अब्बे सामभे उन्होंने लभना कुछ ने। उन्हें क्या? उन्हें कहा, फिर तू इंज कर, जरा तू फैसला किया ना, तू ही अब्बा रख। तुहाडे अपने मुआशरे विच अपने पिंड वेखियो गोंदल दे अंदर, तो फिर अपने गिरेबान च मैं भी जाऊंगा तो तू भी जाको, तो अज सुल्तानी फैसला करके जाएगा कि प्यो चीज की है। बाबा जुमले सुनया जी, उन्हें कहा, अब्बा तू रख, सानू नहीं चाहिए अब्बा। अब्बा तो हो सकता महीना रवे, दो महीने रवे, तो जायदाद तू ले लेंगा अब्बे की सारी, तो असं अब्बा सामभते फिरीए। उन्हें कहा, फिर उन्हें कहा, अब्बा तू रख जायदाद सानू दे। उन्हें प्यो दे कोल जाके आख्या, अबू जी दियो। बाप ने आख्या, पुत्र तू तो पहले दिहाड़ीदार मजदूरदार बंदा है, ये तो फिर भी थोड़े खाते पीते ने, तगड़े ने। उन्हें कहा, नहीं अबू जी तुम दियो। वह जमीन लैके टुर गए, इन्हें अबू ने चुकिया तो घर लैके आ गया। बाबा जी उन्हें प्यो न लिया तो घर आ गया। उन्हें बीवी ने आवाज मारी, उन्हें कहा, इधर मेरी गल सुन। उन्हें कहा, जी सिर दे साइया। उन्हें कहा, मैं अज प्यो लैके आया तो मेरा बाप बड़ा दुखी है, अज ये पुत्र इन छड़ के टुर गए ने। कादरी साहब, थोड़े सामने भी मुकदमे आते हैं तो साढ़े सामने भी आते हैं। उस प्यो की की जिंदगी होंगी है जिदियाँ जमीन सारे ले लैन, तो अब्बे कोई भी ना लवे, अब्बे कोई भी ना रखे, आखे महीना व्डे वाले रहना ही, तो महीना छोटे वाले रहना ही, तो उस तो महीना उस तो छोटे वाले रहना ही। वह प्यो तो विचों मुक जाता है, वह तो खत्म हो जाता है। बाबा जी उन्हें अपनी बीवी ने उन्हें आख्या, उन्हें आख्या, मैं बाप लैके आ गया वा, मेरे वीर मेरे अबू न छड़ के चले गए ने। उन्हें बाप की जुदाई बाबा जी जुमले सुन जाया रे। ओदी बीवी आँदी है, सिर दियाँ साइयां कर, गल कड़ी करना चाहना है। उन्हें आख्या, नहीं जड़ी गल करनी है मेरे नाल कर लवें, मेरे बाप के सामने उची ना बोली, मेरे बाप न कभी गाली ना दवें, मेरे बाप ना लड़ाई झगड़ा ना करी, मेरा बाप बड़ा दुखी आओ, ये पुत्र इन छड़ के चले गए ने। आओ बाबा जुमले सुन जाया रे, इतने तो रो के सुल्तानी आंदा है, बाबा नाले रोंदा है, नाले आंदा नी दिए मैं तेरे वेड़े आ गया वा, हे पुत्रा मैं तेरे ते बोझ बन के आ गया। गोंदल दी सरजमीन विच बहन आ लियो, उन्हें पुत्र ने पियो नू जफा मार लिया, उन्हें आख्या, अबू जी ना ना, अबू जी ना ना, जिदे वेड़े बाप आ जाए बाप बोझ बन के नहीं आंदा, बाप परेशानी बन के नहीं आंदा। उन्हें बाप का मथा चुम लिया, उन्हें आख्या, अबू जी मैनू अज पता लगा है, जिदे वेड़े प्यो आ जाए उहदे वेड़े अल्लाह दी रहमत आ जांदी है। इत्थे सुनी हुण जुमले, जिदे वेड़े बाप आ जाए, जिदे वेड़े अब्बा आ जाए, जमीना दे दे आ जाए, हवेलियां दे दे आ जाए, ऐ कदी बाप दा सौदा ना करे आ जाए। आओ गोंदल विच बैन आ लियो, सुल्तानी दे जुमले दिल ते लिख लई, अगर तेरा पराया खे मैनू हवेली चाहिए है, उहनू आखी वीरा लै लै, जे तेरा पराया खे मैनू मकान चाहिए है, उहनू आखी वीरा लै लै, ओए मैं पियो नहीं देना, मैं बाप नहीं देना,
है बाप दे अल्लाह दी रहमत बन गया है बाप दे वेड़े दा सकौन बन गया है। आओ गोंदल दी मस्जिद विच बह के रोण आलियो बाबा जी जे बाप ने अद्धी रात नू आवाज मारी है हजे पुत्र दी अख नहीं खुलदी नू जुतियां ला के दौड़ पैंदी है आंदी है अबू जी हुक्म फरमाया दे अबू जान केड़ी चीज दी लोड़ है नुमा आउण ते इंज दियां आउण जड़िया सोहरिया नू सोहरा ना समझण बाप समझ दियां आउण किसे चंगी मां दी पुत्री है किसे चंगी मां दी बेबी है हने बाबा जी सोहरे दियां खिदमतां कीतियां ने कदी कपड़े गंदे नहीं रहण दिते कदी सोहरे दा जिसम गंदा नहीं रहण दिता। आओ जुमने सुन जाया रे अफजल कादरी साहब बाप दा आखरी वेला आ गया है बाप दुनिया तो जा रहा है उन्हें पुत्र नू सूफी जी बुला लिया है अल्लाह तोड़े आंसू कबूल कर ले गल अंदरू सुने ते रोण आवे बाबा जी बाप दा आखरी वेला आ गया है उन्हें पुत्र नू कोल बुलाया है अज चौधरी आउंदे ने जिन्हां दे प्यो दा खुस्सा चंगा आवे जिन्हां दे प्यो दा तहमत चंगा आवे जिन्हां दे प्यो दी पग सोहणी आवे ओए चदराए उन्हां पुत्रां दी आउंदी है बाबा जिहड़े परिया विच जान अप्पे दी उंगली फड़ के नाल लै के जाण भवें बाप डेरा हो गया है भवें बाप बुजुर्ग हो गया है ओए गोंदल वालियां नूं दस जाया जे ओए साडी अज वी रौनक इस बाबे नाल वसदी है साडी अज वी बहार इस चिट्टी दाड़ी वाले नल वसदी है साडे पल्ले कुछ नहीं जे सानू जवान करन आला वडेरा हो गया जे साडियां सैकलां लैके आउण आला अज सुरन तो बाबा जी तंग हो गया है पुत्र आखे मैं सैकल नहीं लैनी अब्बा मेरे यार मोटरसाइकल लई है पियो आंदा पुत्रा सुबह ही लै दया किबला एडे चा पूरे करदा है एडे चा पूरे करदा है आंदा रोमी ना रोमीना प्यो दिया पुत्रा मैं सुबह ही तेरी गड्डी लैके आवांगा मैं सुबह ही तेरी मोटरसाइकिल लैके आवांगा हे चा बाप पूरे करदा जदों बाप का वेला आंदा वे पुत्र दस मिनट प्यो कोल नहीं बैंदा पुत्र दस मिनट अपे का हाल नहीं पुछदा अब्बा जी कैसी भी गुजरती है अब्बा जी जिंदगी कैसी भी लंघदी है। बाप ने पुत्र नू बुलाया नू नू बुलाया फरमाया नहीं धीए इधर मेरे कोल आ पुत्र मेरे कोल आ आ गल अंदरू सुनी दिल की तख्ती ते नक्श करके लै जाए सारी जिंदगी फायदा देवेगी आ नू ने ना जे हथ बन्ने आ मेरे वल थक्यो अज ते सोहरा घर आ जाए तो नू ते अंदरू नहीं निकलती आंदी फिर आ गया आंदियां ना कि सारियां नेक ने इत्थे बाबा जी जुमले सुनो ए वीडियो भी बनती पूरी दुनिया तक जानी ओ जड़ी है ना नूह चंगी नहीं आती जड़ी सोहरे के गिरे बान तू फड़ लवे जड़ी सोहरे नू गालियां दवे तो पानी तक ना पूछे तो आखे इत्थे तेरा की है बंदा उन्हूं पूछे जिस मकान में रहनी पीए इस सोहरे का अबोला तो सही गल ही सलाह दी समझ आ गई तो एक भी बड़ी है वह आखिरी वेला बाबा जी बाप का आया ना उन्हें दुआ की अफजल साहब गल मुकान लगा उन्हें आख्या रब्बा जिमें मेरी नूह ने मैं सामभिया ना इंज हो सकता मेरी सकी धी भी मैनू ना सामभदी तो जिमें मेरे पुत्र ने सामभिया तेन तो छड़ गए नहीं ना मालका ए जिन्हें सामभिया ही ना मैं तो दुनिया तो टुर चला यदा वेड़ा छड़ चला पर जांदियां दुआ करना मालका इनू इत्थे भी रंग लावी इनू उत्थे भी रंग लावी क्या बात है थोड़ी मेहरबानी जनाब मैं गल मुकान लगा जे ए प्यो की दुआ जे आंदे ने मां की दुआ बड़ी लगती मैं क्या प्यो की भी बड़ी लगती है सत्तर वाली एक पासे हो ना कादरी साहब प्यो एक पासे होवे ते प्यो की दुआ अल्लाह जल्दी कबूल कर लैंदा जे इधर सुनो टाइम कोई नहीं तो मैं गल्ला करदा इधर जुमले सुनियो बाबा मैं गल पूरी करनी दुआ की थी बाप की रूह निकल गई पर आ गए आखे लगे ओए होए होए अब्बा फोत हो गया वेख्या दुनियादारी विच बंदे की करदे ने जिन्हें कदी भी अब्बे नू ना ना पुछया होवे तो वह भी खत्म दे आंदा है मैं 2 लाख रुपये अब्बे दे नां दा देना पे मैं पांच भी दे फायदा कोई नहीं किबला तू जिंदा तो उन्हें पुछया कोई नहीं तू जिंदा तो कदी उहदा पता लै नहीं सकिया कि अब्बे नू पैसे ना देने पै जाण दवाई दे ऐसे भी पुत्र है जे बाप तो टुर गया उपर आ गए ओ हो साडा अब्बा उन्हें क्या रहन दे जे तुहाडा हुंदा तां छड्ड के ना जांदे बोलो गोंदल आ लियो तुहाडा हुंदा तां छड्ड के ए मेरा अबू है
मैं इनू सामभिया ना तो मैं इनू दफन भी कर लवागा, तुम जाओ मौजा करो। उन्हें बाप ने दफन किया, गोंदला लिया। पहली रात आई है, अद्धी रात का वेला आख लगी, एक बुजुर्ग खा विच आया, उन्हें क्या उठो पुत्रा ए वेखी हूं तकदीर बदलने लगी। ए मैनु दसना जी जांदी वारी अब्बे ने दुआ की सी, या अल्लाह मेरे पुत्र नू इत्थे भी रंग लावी ते हूं वेखियो अल्लाह तकदीर बदलना, उहदा पासा बदलना लगा जी अल्लाह। वह बाप की खिदमत सिले नाल वह अद्धी रात नू बाबा खा विच आया, उन्हें कहा पुत्र उठ। बाबा खैर है, उन्हें कहा फलानी जगह ते 10 रुपए पे नहीं चुक लै। वह मुंडा लालची नहीं सी, उन्हें कहा बाबा बरकत है ही, उन्हें कहा बरकत कोई नहीं, उन्हें कहा मैनू लोड़ भी कोई नहीं। किबला अंदरू पे सुन दो, रब्बे काबा की कसम है, आ जुमले सुनियो तो मैं मुकान लगा जे। दूसरी रात आई, फिर वही बाबा, उन्हें कहा पुत्र 5 रुपए पे नहीं चुक लिया। उन्हें फिर वही सवाल किया, बाबा बरकत आई? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा मैनू नहीं चाहिए। तीसरी रात आई, उन्हें कहा पुत्र 1 रुपया रह गया। पहली रात किन्ने सन? दूसरी, तीसरी, हूं वेखियो ए गल अंदरू सुनी तो तेन पता लगे भी मैं जो मौलवी बुलाया मैं देख के की गया, इतने रिजल्ट कट के जाना जे बाहर की गल नहीं। उन्हें क्या 1 रुपया प्याज चुक लिया। उन्हें फिर आख्या बाबा बरकत? उन्हें क्या पुत्र बरकत बड़ी है। क्या बात है किबला, जुमले सुनो मेहरबानी, बरकत बरकत सारी जिंदगी तुहानू भी मौलवी सुन दिया हो गया, सानू भी सुन दिया हो गया, अंदरू सुन जाई ते तेरा दिल जमीर आप ही गवाही दे छेगा। बाबा जुमले सुनिया जे, वह सुबह उठाया, उन्हें बीवी ने नहीं दसिया, उन्हें जाके उत्थे रुपया चुकया, तो आंदियां सोचे पिया भी बाबे ने आख्या बरकत बड़ी है, तो रुपये नाल मेरा बनना की है, कारोबार तो होना कोई नहीं, चलो जांदे आ मछली बाजारों मछली लैने आ, आप ही भी खावांगे, बच्चे भी खाणगे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करांगे। कैसा पुत्र सी बाबा, नेक, कैसा नेक पुत्र सी। उन्हें मछली लई कार आ गया, अफजल भाई कार आके बीवी नूं कहिंदा एनी सफाई कर, इनू पका, बच्चियां नूं भी दे ते मैनू भी दे। ओ बाबा जी जदों उहदी बीवी छुरी लै के ना उहदा पेट चाक कीता ना, तो उहदी चीख निकल गई, हाय हाय, इह प्यो दी दुआ कम करन लगी जे हुण। बाप की खिदमत का सिला रब्बे काबा की कसम मिलन लगा जे। बाबा जी जो उन्हें वेखे आए उसकी चीख निकल गई है, उन्हें खामंद नूं आवाज मारी है, उन्हें आख्या नी सिर दिया साइया आ जा आ जा आ जा, सुनी कौन दला लिया। जदों ओदा खामंद आया है, उन्हें आख्या नी खैरे, उन्हें आख्या मैनू दस मछली कितों लैके आया है, केड़े पानी की मछली है, केड़े समंदर की मछली है, केड़े तलाब की मछली है। उन्हें आख्या नी चलिए मछली उथों लैके आया वा, जिथों सारा जहान मछली प्या लैंदा है। उन्हें हाथ सामने कीता है, उन्हें आख्या सिर दिया साइया मछली की सफाई कर दिया, मछली दे पेट विचों दो हीरे निकले। जुमले सुनी, मछली दे पेट विचों दो लाल निकले ने, मैनू ईमानदारी दस जाया जे ए मछली दे पेट विच हीरे रखण वाला कौन, ए मछली दे वेड़े पहचान वाला कौन। उतों ही आवाज आई है गरीबा हुणे परेशान ना होई, असी तेरी किस्मत सितारा बदलन लगे आ जी। बाबा जुमले सुनिया जे, तेरा मुकद्दर तब्दील होन लगा है, तेरी गुरबत मुक चली है, तेरी गरीबी मुक चली है। आओ गोंदल दी मस्जिद विच बह के जुमले सुनन आले। उन्हें एक हीरा ले आए, सुनियारे दी दुकान ते गया है, उन्हें आखिया मुल ला जी। बाबा जुमले सुनिया जे, सुनियारे नू आंदा ओ हुसैनी ग्रुप बड़िया महफलां होईयां होणियां, बड़े जिक्र होए होने, अज नबी पाक दे गदागर दा जिक्र सुन जाया रे। सुनियारा कभी हीरे नू वेंदा है, कभी मुंडे नू वेंदा है, कभी हीरे नू वेंदा है, आंदा दिल करदा है तैनू दा ला ला, पर अंदरों जमीर आंदा है इनू दा ना लाई। जिन्हें प्यो नू सांभिया होवे उन्होंने दा नहीं लाई। जी बाबा जुमले सुन जाया रे, जिन्हें अपने नू सीने लाया होवे, जिन्हें प्यो दी बाह फड़ी होवे, जिन्हें अपे दा मथा चुमिया होवे उन्होंने दा नहीं लाई दा। उन्हें आखिया फिर दस की करा, उन्हें आखिया है तेरे हीरे दा मुल सुनियारे कोल कोई नहीं, जे हीरे दा मुल लवाना है ते फिर मुलक दा बादशाह ही लाएगा।
ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੁਣੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲਿਆ ਸੂਫੀ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 60 ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ 30 ਖੱਚਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਐ ਜੀ ਗੋਂਦ ਲਾ ਲਿਓ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੋਂਦ ਲਾ ਲਿਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਾ ਲਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਬਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਹੀਰਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਡਬਲ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਰ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ 4 ਸਾਲ ਸੋਦੀਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਕੋਠੀ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਬਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਐ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਖੱਚਰ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਲੱਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਆਈ ਵੀਰ ਤਿੰਨੇ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਏ ਤੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੀ ਗਈ ਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰੋ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰੋ ਸੋਨਾ ਲੈ ਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਲੋ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੋ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੁੰਦ ਲਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇੜੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਬਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਲਜਪਾਲੀ ਪੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਜੋ ਲੈਣਾ ਜੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ